नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने आज फिर से सरकार को चैलेंज किया है। विधानसभा में चुनाव के बहुत सारे वादे किए गए हैं और उन्होंने कहा कि एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। एक बार जब तक जजमेंट नहीं देखिए, दोनों जजमेंट आप टेक्निकली बहस की जजमेंट तो वो बोले ना, उन्होंने समीक्षा विभाग में छोड़ दिया गया ना, बिना ऑथेंटिक बात हम कर दें जजमेंट विभाग। नहीं, ये कह रहे हैं कि उनको समझा देने के लिए समझा दीजिए। तेजस्वी जी आपको तो सवाल करेंगे। हाँ, जाइए ना। सर एक मिनट सुन लीजिए। नहीं सर, हम लोग का शेड्यूल जो है ना सर 14 बार चेंज हो चुका है सर। हमारे लिए सब जगह के बराबर है। नहीं नहीं सर, ठीक है, सही बात है। नहीं सर, ये लोग तो दूसरे जिला के हैं तो किसी ना दूसरे के पास भी जा सकते हैं, लेकिन सर हम तो दूसरे के पास नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे? जिन लोग का विधायक दूसरे हैं तो जिले के पास दूसरा आदमी खा सकता है। तेजस्वी ठीक है, टीचर लोग आपके घर के दरवाजे पर आए हैं, सुबह से लेकर जमे हुए थे, क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री तो पीठ थपथपा रहे हैं कि 42,000 लोगों को नियोजन करने जा रहे हैं। काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। हाँ, इनको ऑर्डर शिक्षकों को लगाया जा रहा है कि जाइए सुंघिए, मतलब जाइए पकड़ के लाइए दारू पीने वाले को। बोलने दीजिए ना, को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हम तो बार बार कहे प्रोफेसर हो, वहाँ कई रिक्त पदे हैं वो नहीं भरा जाता। टीचर्स के कई जगह जो है रिक्त पदे खाली हैं वो नहीं भरे जाते। इंजीनियर्स के, डॉक्टर्स के, नर्स के, आप अलग अलग फील्ड में जाएगा, पुलिस पे डिपार्टमेंट में इतना रिक्त पद है लेकिन भरता क्यों नहीं लो? और जब परीक्षा होता तो उसमें धांधली होती है, जिनको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलता। तो इनका जो टेक्निकली है ये सब चीज़ हम लोग दिखवा रहे हैं। अब क्या कोर्ट का ऑर्डर है एक बार हम लोग देख ले जरा। इन लोगों का था कि भाई जिला में जाकर के इन लोगों को मिलना था, नगर पंचायत नगर निगम वगैरह में इन लोगों को आजकल में ही रखा जाना था, लेकिन स्थगित कर दिया गया। ये सब हम लोग दिखवा रहे मैटर।